श्री महावीर सेवा समिति की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भयंदर में किया गया। साथ ही उनकी सहयोगी रही समस्त राजस्थानी प्रवासी संस्थाएं भी उनका साथ देने पहुंची थी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का अभिनंदन किया गया और साथ ही साथ उनके सामने भयंदर की कई सारी समस्याओं को रखा गया। इस मौके पर भयंदर की महापौर गीता जैन, साथ ही वहां के एमएलए नरेंद्र मेहता खास तौर पर उपस्थित थे। इस मौके पर सभी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जीएसटी पे चर्चा करूँगा और बाकी जो यहाँ से सवाल आएंगे उन पर चर्चा करूँगा। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि मेरा भयंदर प्रोग्राम में मैं पहले जब नरेंद्र मेहता साहब चुनाव लग रहे थे, इस बार नहीं उससे पहले, तब मैं आया था करीब करीब 15 दिन या अंदर से। लेकिन आज का उत्साह देख कर मुझे ऐसा लगता है कि अब नरेंद्र मेहता जी MLA भी बढ़ गए हैं, जिसको यहाँ पे आमदार बोलते हैं, और यहाँ जितने भी संस्थाएँ उनका मैं आभार देता हूँ। मैं आज इनसे चर्चा करूँगा और अगले बजट में यहाँ की जो भी डिमांड होगी वाजिब डिमांड, और बजट मेरे पास ही है निश्चित रूप से। मेरा महिंद्रा एरिया को कोई ना कोई बजट में तोहफा जरूर देगा। महापौर होने के नाते राजस्थान से अगर कोई मंत्री आते हैं तो एक तो पहले ही अपना सा लगता है मुझे कि हमारे गांव से कोई आए हैं, और ऊपर से अर्जुन जी जैसे इतने महान व्यक्ति जो यहां आ रहे हैं मीरा भाईंदर में पहली बार, तो जाहिर है कि इतनी खुशी होगी कि शायद मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊँ। लेकिन हम दिल से आज बहुत खुश हैं और दिल से उनका आगमन की इतनी प्रतीक्षा कर रहे थे, और इतनी खुशी से और इतने उमंग से हम उनको वेलकम करना चाहते हैं कि वो शायद ये कहे कि स्वागत हो तो मीरा भाईंदर जैसा हो और उनको बिल्कुल ये अपना सा लगे, राजस्थान को वो मिस नहीं करे। नहीं, आम के आम नहीं, ये तो उनके दिल की तमन्ना है कि जब मीरा भाईंदर को मिनी राजस्थान कहा जाता है तो वो यहाँ के लिए पैकेज ना करे, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, अपने अपनों को ही देखते हैं, ऐसी क्या बात है कि आम के आम गुठली के दाम। हर एक मंत्री आते हैं तो अपना पैकेज कुछ ना कुछ तो हमें गिफ्ट दे जाते हैं, इन्होंने भी दिया है। हर सामाजिक संस्था अच्छा काम करती है, उसमें से मैं कुछ गिनाऊँ तो महावीर संस्था उसमें से एक है। बहुत सुंदर कार्य करते हैं और स्पेशली बच्चों के लिए, आज बच्चों के लिए हर एक क्षेत्र में उनको पढ़ाना, उनके लिए दूसरी मदद करना, अनाथाश्रम के लिए मदद करना, और सबसे अहम जो उन्होंने मुद्दा आपके उठाया है वो ये है कि जो किसान आत्महत्या करते हैं उनके परिवारों को, उनके बच्चों को जाके वो मदद करते हैं, उनको अडॉप्ट किया है और उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए उन्होंने जो काम किया है सचमुच बहुत सराहनीय है। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर अर्जुन जी मेघवाल जब बम्बई में पधारे, आज बोरीवली में उनका साधुमार्ग की जैन संघ के अधिवेशन में कार्यक्रम था, तो भयंदर वासियों की, सभी प्रवासियों की, स्पेशली बीकानेर पट्टी की ये इच्छा थी कि वो भयंदर में पधारे और उनका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। ये हम सभी भयंदर वासी गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच में हमारे लाडले स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर आज हमारी अल्प विनती को स्वीकार करते हुए भयंदर में पधार रहे हैं, तो हम सभी उत्साहित हैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने के लिए। 19 वर्षों से राजस्थानी जैन संघ सभी तरह के आयोजन करता हुआ आ रहा है, जिसमें सभी संप्रदाय के लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें हम कई कल्चर प्रोग्राम करते हैं, धार्मिक प्रोग्राम करते हैं। विशेष रूप से हमारा आग्रह यह है कि कोई भी विद्यार्थी धन के अभाव में पढ़ाई नहीं छोड़ दे, इसका ध्यान रखा जाता है। उसको जहाँ तक वो पढ़ना चाहता है उसको मदद की जाती है, चाहे वो हायर एजुकेशन में MBA करे, CA करे, CS करे, डॉक्टरी करे, इस टाइप की मदद की जाती है। और असाध्य बीमारियों का, विशेष रूप से असाध्य बीमारियाँ जिसमें से आप हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, इस टाइप की जो बीमारी होती है उसका इलाज का भी सेवा का अवसर लिया जाता है। ये अर्जुन जी मेघवाल जो है हमारे बीकानेर समाज के हैं, बीकानेर के हैं, और इन्होंने बहुत ही 13 साल की उम्र से इन्होंने जो कार्य किया है, बचपन से इन्होंने गरीबी देख के भी
इन्होंने जो काम करके आज बहुत ईमानदार है ये, तो इन्होंने क्या है बीकानेर समाज से पहला जो मंत्री बना है केंद्र में, बीकानेर के एमपी बहुत बने हैं लेकिन धर्मेंद्र जी भी एमपी बने, लेकिन इन्होंने जो आज इतना बड़ा मुकाम पाया है अपनी ईमानदारी पे, नरेंद्र मोदी जी ने इनको स्पेशली चुना है। और ये आपको ध्यान होगा कि आज से साल भर पहले ये साइकिल पर लोकसभा जाते थे, इनका इतना है और हमारे बीकानेर समाज के लिए एक बहुत गौरव की बात है। इसलिए महावीर सेवा समिति जो हमारे द्वारा चलाई जा रही है, हमारे चार पांच भाई लोग हैं हम लोग, तो हमारे समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो इनको आग्रह किया गया तो ये विशेष बीकानेर से बता रहे। और इनकी सबसे बड़ी बात है ये जीएसटी बारे आज सवेरे प्रोग्राम हो गया था, जीएसटी के बारे में क्लियर कर रहे हैं और बाकी काफ़ी कार्यक्रम हैं तो इनका अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा कोई भी अच्छा कार्य हो तो इनका आशीर्वाद रहे, इसलिए हमें इन्हें बुलाया।